बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीना देसी फूड में आप सबका वेलकम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और यह है फ्रूट चाट, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। और फ्रूट्स तो सभी को बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी, और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार की लग रही है फ्रूट चाट। तो चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से बनती है। यहाँ पर मैंने हाफ पीस पपाया का लिया है, थोड़े से मैंने ग्रेप्स लिए हैं, 2 मैंने बनाना लिए हैं और 2 ही मैंने अनार लिए हैं, 1 मैंने ऑरेंज लिया है, 1 मैंने एप्पल लिया है और 1 मैंने अमरूद लिया है। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ले लें। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है, सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक आप ले लें। अब हम इन सभी फ्रूट्स को काट लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी फ्रूट्स को काट लिया है, ग्रेप्स को भी, अमरूद, एप्पल, इनको मैंने क्यूब्स शेप में काट लिया है, और अनार के जो अंदर के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, और पपाया को भी मैंने काट लिया है, और जो हमने एक ऑरेंज लिया था उसका मैंने जूस निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने एक मैंगो लिया है, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंगो लिया है। अगर आपके पास मैंगो है तो आप वो भी डालें। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें 1 by 1 हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और सारे फ्रूट्स हम डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रेप्स डाल दिए, अब मैं मैंगो डालूँगी, बनाना, और इसके बनाना डालने के बाद अनार डाल दूँगी, और जो हमने चाट मसाला और सॉल्ट लिया था वो इसमें डाल के ऊपर से ऑरेंज जूस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि चाट मसाला और जो सॉल्ट है वो अच्छे तरीके से फ्रूट्स में मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपकी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो जाएगी और आप इसे खाएं। ये बहुत ही मज़े की और हेल्दी होती है। इस तरह मतलब कि जब हम फ्रूट्स लेकर आते हैं तो हम नहीं खाते, इस तरीके से सारे फ्रूट्स हम इस तरह चाट में डाल के इसकी एक चाट बनाकर खाएंगे और सारे फ्रूट्स हम खाएंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और मैंने इसे सर्व कर दिया है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीना को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।